नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ समय कब है, शुभ तिथि कब है और रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। सुबह लग रही है वृद्धाकाल किस समय लग रही है ये आपको बताएंगे, उसकी डेट बताएंगे और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और महत्व। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरे YTM चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भाई और बहन के प्रेम को दर्शाने का ये त्योहार होता है और हर साल ये त्योहार अगस्त माह में मनाया जाता है और अगस्त माह में आता है। रक्षाबंधन के अलावा भाई दूज भी ऐसा पर्व है जो भाई बहन के प्रेम को प्रतीक करता है और इस साल जो रक्षाबंधन है उसके ऊपर भद्रा का साया मंडरा रहा है, तो ऐसे में बहन अपने भाई को राखी कब बांधेंगी, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस साल रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और रक्षाबंधन की तारीख, महत्व और कौन कौन से संयोग इस बार बन रहे हैं। रक्षाबंधन का जो इस समय शुभ मुहूर्त बनने जा रहा है, पंचांग के अनुसार अगर कहा जाए तो रक्षाबंधन का शुभ दिन जो होगा वो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 19 अगस्त के दिन सोमवार को 3:04 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात को ही 11:55 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि लगने के कारण रक्षाबंधन का जो पर्व होगा वो 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन की बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। आप बताएंगे रक्षाबंधन में वृद्धा काल का समय कब शुरू हो रहा है। इस साल रक्षाबंधन के दिन जो रहेगा वो वृद्धा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर वृद्धा जो प्रारंभ हो रही है, वृद्धा काल का जो समय प्रारंभ हो रहा है वो सुबह 5:53 पर शुरू हो जाएगा और दोपहर 1:32 तक रहेगा। जो राखी बांधने का शुभ समय होगा वो 1:36 से शुरू होगा और 9:08 तक रहेगा यानी 19 अगस्त को। बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। रक्षाबंधन के शाम को पंचक भी लग रहा है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक का जो समय रहेगा वो शाम को 7 शुरू हो जाएगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा यानी कि 20 अगस्त तक रहेगा। पंचक जो होगा वो सोमवार को लग रहा है, इसको अशुभ नहीं माना जाता है, ये बहुत ही शुभ होता है। राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 1:30 से शुरू होगा और 9:08 तक रहेगा। उसी दिन बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधेंगी। राखी बांधने के लिए 7:38 का समय पूरा मिलेगा, तो इसी समय में आपको अपने भाई को राखी बांधनी है। रक्षाबंधन के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन इस साल जो भी रक्षाबंधन पड़ रहा है 19 अगस्त को, उस दिन 3 शुभ योग बनेंगे। उस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा, वहीं स्वार्थ सिद्धि योग 5:53 से यानी सुबह AM से लेकर के 8:10 तक AM तक रहेगा और वहीं रवि योग भी बन रहा है जो 5:53 से शुरू होकर के 8:10 तक रहेगा। तो इस दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, एक बनना है स्वार्थ सिद्धि योग, एक बनना है रवि योग और एक बन रहा है शोभन योग, तो ये योग बहुत ही शुभ माने जाएंगे। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपनी भाई के हाथों में राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का उन्हें वचन देते हैं और दक्षिणा या उपहार देते हैं। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।